हमारी जेठानी जी को लाइक करो, जेठानी की वीडियो को, जेठानी को नहीं हाँ जेठानी की वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। दोस्तों हमारी जेठानी जी घास काट रही है और अगले साल वो गाय लाएंगी। गांव का दूध बड़ा पसंद आ रहा है उनको। सबसे बढ़िया दही, सबसे दही इतनी जबरदस्त जम रही है। हाँ। बिना जाग की। हाँ। तो देखो ऐसे इस तरह से घास काटते हैं, मेरे को तो काटना आता नहीं है ढंग से। देखो हम तो लाइक कर आओ। हाँ हाँ बोलो, लाइक करो, फॉलो करो, शेयर करो, शेयर करो, हमारी जेठानी जी को लाइक करो, जेठानी की वीडियो को, जेठानी को नहीं हाँ जेठानी की वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है आओ, जोग नहीं जाओ, ये हमारी सासू जी, इन्हें फरका मुख क्यों, ये पर जीवा के लिए आए तुम, ये रहे हमारे ससुर जी, ये हमारी चाची जी, दिखाओ अपना मुख। इधर ना अंधेरा आ रहा है, इधर आना पड़ेगा मेरे को, उस तरफ से लग रहा होगा यार अंधेरा। नहीं नहीं फेस में आप इधर आओ, आप सही आ रहा है, गोरा खिला हुआ चेहरा सही में, फिर भी फूलों साथ। अब मेरी जेठानी जी गाना गा रही है, उनको ससुर जी को देख के चलो गाओ जरा, फूलों साथ सीरियस होके बोलो, फूलों साथ चेहरा तेरा कलियों सी मुस्काने है, रूप तेरा देख अच्छा, के रंग तेरा देख अच्छा, के दुल्हन भी हैरान है। बहुत ही बढ़िया, अपने बारे में बताओ, कब लगे थे आप फौज में, कितनी उम्र थी आपकी? उस समय मैं 18 साल का था, 1961 दिसंबर में भर्ती हुआ था मैं। अच्छा। और 1979 में मैं घर आ गया, रिटायर हुआ। कितने साल की सर्विस हुई? 15 18 साल। अच्छा 18 साल, 18 साल सर्विस थी, 18 साल जिस समय भर्ती हुआ उम्र थी तब बराबर 36 साल। तुम तब देख लेंगे तब तो आज हम जा रहे हैं चाची के साथ जंगल की तरफ घूमने के लिए, तो ये रास्ते में चाचा जी ने ये पेड़ लगा रखे हैं सेब के, और इनके बंदरों ने बुरी हालत कर दी है, सारे पत्ते तोड़ दिए हैं, फूल जो हैं वो आते हैं उनको तोड़ देते हैं, मतलब बंदरों ने यहाँ पे आतंक मचा रखा है। इन रेंज था भूकल तो मोर जाना। हाँ अब का जानवर सही खाते हैं आपके जानवर रहते हैं, उस टाइम लोग थे जानवर नहीं थे, अब लोग घटते जा रहे हैं, जानवर होते जा रहे हैं जंगलों में। तो दोस्तों पुराने टाइम में लोगों ने देखो ये पहाड़ को काट के खेत बनाए थे और यहाँ पे खेती करते थे, और आज के टाइम में ये सब बंजर पड़े हैं देखो, और कितनी मेहनत करी होगी उस टाइम पुराने लोगों ने जो ये सारे पहाड़ काट काट के देखो खेत बनाए हुए हैं, और आज ये सब बंजर पड़े हैं देखो, सारे बंजर पड़े हुए, और घरों के आगे जो थोड़ा बहुत करते भी हैं तो उनको ये सुअर नहीं छोड़ते, सुअर ख़राब कर देते हैं सारी खेती। तो पीछे हमारे देवरानी ने मिर्च लगा रखी थी तो वो सारी सुअरों ने ख़राब कर दी, वो मिर्च की खेती पूरी ख़राब कर दिया। शाम का वक्त है, शाम के 5 बज गए, अभी बैठे हैं चाय वाय पी के हम, और मैडम जी की हो रही है आजकल तबीयत खराब कुछ दिनों से, पहले तो यहाँ डॉक्टर को दिखाएंगे वो क्या कहता है क्या दवाइयाँ देता है,
अगर नहीं आराम आया तो फिर दिल्ली जाएंगे, वहाँ पर पूरा दिखाते हैं, चेकअप कराते हैं पूरा वहाँ। एक का मैं कमेंट्स देख रहा था, उन्होंने लिखा था कि आपके कैमरामैन कौन हैं उनको भी दिखाओ। तो एक कमेंट्स में लिखा हुआ था कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं उनको दिखाओ। तो भाई मैं बता दूँ, मैं ही हूँ कैमरामैन और मैं ही हूँ इनका हस्बैंड। जब व्लॉग बनाते हैं, कैमरा पकड़ता हूँ, तब मैं इनका कैमरामैन हूँ, ये हमारी बॉस बन जाती हैं। और जब घर के अंदर आता हूँ तो मैं बॉस बन जाता हूँ, फिर मैं ऑर्डर देता हूँ चाय बना के लाओ। वो बात अलग है कि बनानी मुझे ही पड़ती है चाय, थोड़ी देर के लिए बॉस बन जाता हूँ, फिर चुप होकर फिर चाय बना के लाता हूँ। ये देखो अभी चाय बना के लाया हूँ मैं, और नमकीन लाया हूँ मैडम जी के लिए। अब मैं ज़्यादा लाया हूँ, थोड़ी ज़्यादा ले आया तो मैडम जी कहेंगी कि ज़्यादा क्यों लाए हो, और इसमें से नमकीन लाए और मूँगफलियाँ खुद खा गए, मतलब जिसमें तो मेरे को मूँगफली सही लग रही थी तो मूँगफली मैं ही खा गया, और बाकी मैंने मैडम जी के लिए रख दिया। तो कह रहे मूँगफलियाँ आपने क्यों खाई। भाई एक तो इनको तबीयत ख़राब है, ठीक है, ऊपर से मूँगफली खाएंगे तो ज़्यादा गैस बन जाती है, तो मैं नहीं चाहता कि ये ज़्यादा मूँगफली खाएँ इनको गैस बने। तो दोस्तों आपको बिजली के गरजने की भी आवाज़ आ रही होगी, कितनी तेज़ तेज़ बिजली यहाँ पे गरज रही है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी बारिश हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। इधर थोड़ी कम है और उधर की साइड, आगे की साइड, इधर ये जो सियोसी की तरफ है उधर की तरफ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। मैं बिल्कुल सफ़ेद हो रखा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और मेरी कुछ दिनों से तबीयत थोड़ी ढीली है। और जबकि अब मैं क्या कहूँ आप लोगों को, यहाँ पे जब से हम गांव, मतलब कि गांव में आए हैं, एक महीना हमें हो चुका है यहाँ गांव में आए हुए, तब से बहुत ही अच्छा लग रहा था और बहुत अच्छे से मन लग गया है यहाँ पे, और बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए मेरे, गांव वाले लगभग सारे जानने लगे मुझे, और बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन अब तबीयत थोड़ी ढीली हो रही है तो हो सकता है शायद हमें दिल्ली जाना पड़े। वैसे तो मैं यहाँ दिखाऊँगी डॉक्टर को, डॉक्टर क्या कहता है, फिर अगर कुछ लगेगा कि भाई ज़्यादा है तो फिर दिल्ली जाएंगे। तो अगर मैं दिल्ली गई तो, वैसे तो मेरा जाने का मन नहीं है, लेकिन अगर मैं गई बाई चांस तो मैं दिखा के फिर वापस आ जाऊंगी यहीं पे गांव में ही, क्योंकि गांव में बहुत ही अच्छा लग रहा है। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी मुझे इतना अच्छा लगेगा, क्योंकि शुरू में मुझे यही लग रहा था, हम जब भी आए हैं तो हमेशा शादी ब्याह में ही आए हैं, शादी में आए हैं, दो चार दिन रहे हैं और रौनक रहती है, क्योंकि सभी रहते हैं यहाँ पे, मतलब सारे परिवार वाले आ रखे होते हैं तो बहुत मज़ा आता है। जैसे ही वो जाने सब चले जाते हैं तो फिर बोरियत सी लगती है, तो हम चले जाते थे। लेकिन पहली बार ऐसा लगा जब मैं आ रही थी तो मुझे लग नहीं रहा था कि मैं रह पाऊँगी, मगर यहाँ आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और देखो बीच बीच में बिजली की गड़गड़ाहट कितनी तेज़ है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं मौसम कैसा है। और लाइट भी गई हुई थी और देखो अब लाइट आ गई है। तो जब यहाँ पे बरसात होती है तो उस टाइम बिजली काट देते हैं कुछ टाइम के लिए, ताकि कहीं कोई नुकसान ना हो जाए, मतलब बारिश की वजह से कहीं कोई तार तूर ना टूट जाए तो उससे किसी को नुकसान ना हो, इसलिए जब उनको लगता है कि सब कुछ ठीक, मतलब सब कुछ ठीक है, तो फिर वो लाइट दे देते हैं वापस। तो अभी लाइट आ चुकी है, मतलब एक घंटा हो गया लाइट को गए हुए, अब लाइट आ गई है। तो दोस्तों मिलेंगे आपसे फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह मेरी वीडियो देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके बताएं कैसी लगी। धन्यवाद। और इन्हें उसमें